आता जाता कुछ नहीं, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। और ये है फीडबैक नंबर 3। आँखों में जिसकी कोई तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं उनकी पिक्चर्स में कमियां निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। भाई दिल पे मत लो, आपका ही फायदा है। सीखने का सबसे पहला रूल है ईगो को साइड में रख दो। मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने सीखी है, जिस तरीके से मैंने सीखा है। अशोक वर्मा जो बोलेगा सच बोलता है, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं आपका ही नुकसान कर रहा हूँ। कौन सी पिक्चर से शुरू करें? सबसे पहले हम इस पिक्चर से शुरू करेंगे। ये पिक्चर है किसकी पिक्चर है? ये आदित्य की पिक्चर है। ये पिक्चर है आदित्य सारू की। आदित्य सारू बहुत अच्छी पिक्चर है। और आपकी पिक्चर में नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि इट इज़ लिटिल शेकी और ब्लर्ड है, लेकिन ट्रस्ट मी इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं, पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर बहुत बढ़िया है, वेल बैलेंस्ड पिक्चर है। और ये लड़की यहाँ पे खड़ी है और ये बंदा यहाँ बैठा है, स्टोरी बिल्ड कर रही है। जब आप इस पिक्चर को देखते हो तो आपके दिमाग में एक स्टोरी आती है, आपको लगता है जैसे कि पता नहीं ये लड़की बंधी हुई है और शी इज़ लॉस्ट एंड देन दिस गाय इज सिटिंग, ये कुछ मिस्टीरियस सा गाय यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ मिस्ट्री क्रिएट कर रही है। पिक्चर डार्क है और सिल्वेट है, तो ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये लीडिंग लाइन की तरह काम कर रहा है और ये यहाँ तक लेकर आता है आपको, आपकी आँख को। तो ये पिक्चर बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे ये घात लगा के बैठा है, इस बच्ची को पकड़ने चाहता है, वो अकेली सी लड़की है। तो जब आप ये सारी स्टोरीज बनाने लगते हो किसी पिक्चर को देख के, तो वो पिक्चर कुछ है, उस पिक्चर में कुछ दम है, तभी वो पिक्चर आपको अच्छी लगती है। सिंपल पिक्चर है, टू द पॉइंट पिक्चर है एंड नाइस पिक्चर। एक चीज़ जो मुझे इस पिक्चर में नेगेटिव लगी है, अगर ये बॉटल इस बंदे के हाथ में, जो ये बंदा बैठा है यहाँ पर, इसके हाथ में ये बॉटल नहीं होती, या इसका जेस्चर कुछ और होता, या ये चल रहा होता, तो ये पिक्चर फाड़ू हो जाती। पर अभी भी बुरी नहीं है ये पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर है। आदित्य सारू कीप डूइंग इट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह की पिक्चर्स काम करती हैं। तो इस तरह की पिक्चर्स काम करती हैं, इस चीज़ को और इम्प्लीमेंट करें, अपने काम में लाएं, और आगे जाओगे, तरक्की करोगे, बढ़ोगे। आते हैं हम अगली पिक्चर पर। ये पिक्चर है किन की पिक्चर है? ये है अर्नब मित्रा। अर्नब मित्रा की ये पिक्चर है। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा सीन लिया, बहुत अच्छा एंगल लिया। लो एंगल है, पीछे एक बंदी लेटी हुई है, वैसे ये कोई फेस्टिवल हो रहा है, उनका जो व्यू पॉइंट है और जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी है। इस बंदी का सर कटा हुआ है, इस बंदी का सर दिख रहा है, यहाँ पर एक वी बन रहा है एंड एक वी यहाँ पर बन रहा है। पिक्चर में दम हो सकता था। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पिक्चर्स खींच रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी पिक्चर्स हो, चाहे लैंडस्केप पिक्चर्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे कमर्शियल वर्क हो, चाहे स्ट्रीट फोटोग्राफी, पिक्चर अगर शार्प होगी, पिक्चर अगर साफ होगी, तो उसमें और दम आएगा। अनटिल एंड अनलेस कि आप ब्लर से या मूवमेंट से इमेज में कोई जान डाल रहे हो या स्टोरी कहने की कोशिश कर रहे हो। पर यहाँ पर ये पिक्चर आउट ऑफ फोकस है, ब्लर्ड है, आई डोंट नो शटर स्पीड कम हो गई थी या जल्दी जल्दी में ये फोटो खींची है, सो मे बी आपकी कोई सेटिंग ख़राब हो गई। लेकिन ये पिक्चर बहुत स्ट्रांग हो सकती थी, अगर ये पिक्चर शार्प होती, इसके ऊपर शार्पनेस होती, आप अच्छा वाइड एंगल लेंस यूज़ करते, अच्छा अपर्चर यूज़ करते। इस पिक्चर के सिर्फ 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 3, और ये चौथा एलिमेंट है, ये भी बहुत स्ट्रांग हो सकता था, ये बीच में आता सेंटर में, लेकिन हमारी जो आँख है वो इन सारे कलर से, ये पीछे लाल है, लाल है, लाल है, लाल है, ये इतने सारे रेड कलर्स हैं, सब ओवरलैप हो रहे हैं, सब एक घचड़ पचड़ हो रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एक अच्छी पिक्चर बनते बनते मर गई, उसका दम टूट गया। तो आपने देखा अच्छा, सोचा अच्छा, खींचा अच्छा, लेकिन आप मार खा गए टेक्निकल पॉइंट में, आप मार खा गए ये देखने में कि पीछे क्या हो रहा है। अगर ये पीछे क्लीन होता या पीछे ये सब लोग अलग अलग होते तो ये पिक्चर बहुत अच्छी बन सकती थी। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बहुत सारे लोगों को एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि लेयर्स में काम कर रहे हैं, हम इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं? लेयर्स में काम कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, तो 5 लेयर्स हैं हमारे पास।
और ये बहुत सारे लोग, ये भी सब लेयर्स में है, कोई आगे है कोई पीछे है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लेयर्स में काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी एलिमेंट ओवरलैप ना करे। ओवरलैप करेगा कन्फ्यूजन पैदा करेगा, डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, और वो पिक्चर हो जाएगी पटाक खत्म, गला घुट जाएगा उस पिक्चर का। और वही इस पिक्चर में हुआ है। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन इस अटेम्प्ट को जारी रखें। और ऐसे अगर आपको इवेंट्स मिलते हैं जहाँ पर आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट वेरी गुड पिक्चर्स। और आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई हो। तो आगे बढ़ते हैं अगली पिक्चर। ये पिक्चर है फारूक हुसैन की। फारूक हुसैन, वेरी क्लीन पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर। पिक्चर खुलते ही आपकी आँख जाती है इन मछलियों की आँखों पर। एक सेमी सर्कल बन रहा है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, मिनिमलिस्टिक पिक्चर है, टू द पॉइंट पिक्चर है। लेकिन ये सब तो हो रहा है, ठीक है, ये मछलियाँ हैं, मछलियों की आँखें सबकी इस डायरेक्शन में हैं, लेकिन हम देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेकिन ये कुछ ऐड नहीं कर रहा है, ये जो दोनों हाथ हैं ये इस पिक्चर के साथ ऐड नहीं कर रहे हैं। और देख ये सब इधर रही हैं, लेकिन हाथ इधर से आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये या तो फेंक रहा है इनको, या इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे दिमाग में स्टोरी बन रही है। लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर ये दोनों हाथ इधर की तरफ इधर होते, या कोई और जेस्चर होता, या किसी का फेस होता यहाँ पे, ये पिक्चर इधर से भारी हो रही है, इधर खाली पड़ी हुई है, तो अगर यहाँ से कुछ फिल इन मिल जाता, और अगर ये हाथ इधर की तरफ से इधर नीचे की तरफ आ रहे होते, और एज इफ ये मछलियाँ उनकी तरफ देख रही होती, तो लगता कि कोई स्टोरी बिल्ड हो रही है। आप स्टोरी बिल्ड करते कि बेचारी मछलियाँ फंसी हुई हैं, दे आर ट्रैप्ड, एंड समबडी इज़ ट्राइंग टू रिट्रीव देम, समबडी इज़ ट्राइंग टू कैच देम, एंड समबडी इज़ ट्राइंग टू सेव देम। तो मेरे दिमाग में वो स्टोरी नहीं बन पा रही है। मेरे दिमाग में जो स्टोरी बन रही है वो ये स्टोरी बन रही है कि ये बंदा इनको फेंक रहा है। तो वो स्टोरी नेचुरल है। आप जब पिक्चर में कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करते हो जहाँ पर जो दूसरा व्यूअर है, जो आपकी पिक्चर्स देख रहा है, वो सोचने पे बाध्य हो जाए, आप सब कुछ दिखाते हुए भी कुछ चीज़ छुपा लेते हो। यू शो एवरीथिंग बट यू हाइड समथिंग, एंड दैट इज़ द थिंग विच क्रिएट स्टोरी इन द माइंड ऑफ द अदर पीपल। कि उसको दिख सब रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो वो दिखाते हुए भी आप कुछ छुपाकर उस पिक्चर को स्ट्रांग बनाते हो। तो मेरे हिसाब से अगर ये दोनों हाथ इधर की तरफ होते और ये नीचे की तरफ जा रहे होते, तो ये पिक्चर बहुत बहुत फाड़ू बन जाती। लेकिन अभी भी अच्छी पिक्चर है, लेकिन इम्प्रूव करी जा सकती थी। तो मैं पहले भी बताया है कि जब आप किसी जगह पर हैं, जब आपको कोई ऐसा व्यू पॉइंट मिल जाता है, तो वहाँ पर छोड़ो नहीं, वहाँ पर पूरी जान लगा दो, वहाँ से निकलो नहीं जब तक आपको वो पिक्चर ना मिल जाए जो तोड़ू हो, जो फाड़ू हो, जो सबको हिला के रख दे। तो ऐसी पिक्चर खींचो फारूक, एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड सीइंग थिंग्स, यू आर सीइंग थिंग्स। सो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स, देन यू एंटर इनटू अ न्यू वर्ल्ड। और जब आप इस नई दुनिया में घुस जाते हो जहाँ पर आपको दिखने लगता है, तो फिर तो भाई हर पिक्चर में जान आ जाती है, हर पिक्चर में कहानियाँ बन जाती हैं। तो वो आपको भी करना है और आप कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। ये है पिक्चर, कृष्णा गोस्वामी की पिक्चर है। अच्छी पिक्चर है, नाइस पिक्चर है। यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, हाथ हैं, शैडोज़ हैं अच्छी, देन यहाँ एक सिल्वेट है, मल्टीपल हाथ हैं, एक औरत चलती हुई आ रही है। लेकिन मेरे पास क्या है, बहुत सारी नेगेटिव स्पेस है जो पिक्चर में कुछ ऐड नहीं कर रही है। नेगेटिव स्पेस अगर पिक्चर में कुछ ऐड करती है, कुछ डेप्थ देती है, कुछ स्पेस देकर आप ये दिखाना चाहते हो कि उधर की तरफ कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव स्पेस काम करती है। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव स्पेस 25% ऑफ द पिक्चर, मे बी मोर देन 25% ऑफ द पिक्चर इज़ नेगेटिव, अगर आप इस पिक्चर को यहाँ से और यहाँ से क्रॉप कर देते, तो ये पिक्चर शायद और स्ट्रांग हो जाती। तो जब आप पिक्चर खींच लेते हो, जब आप पिक्चर पे काम कर रहे होते हो, जब आप पिक्चर अशोक वर्मा को भेज रहे हो, या फेसबुक पे डाल रहे हो, या सोशल मीडिया पे कहीं पे अपलोड कर रहे हो, तो उस पिक्चर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसको जीने दो, और आप अपनी ज़िंदगी जियो। वापस आओ उसके पास, फिर देखो उस पिक्चर को। और क्रॉप करने में कोई पैसे नहीं लगते, क्रॉप करो, देखो डिफरेंट वेरिएशंस क्या हो सकती हैं इस पिक्चर की। और आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, काला पैच है, ये भी काला पैच है, ठीक है ये रास्ता है, लेकिन कुछ ऐड कर रहा है इस पिक्चर में, नहीं, क्योंकि मेन पिक्चर में जो एक्शन हो रहा है वो सब इधर की तरफ हो रहा है। तो
हमारे को यहाँ देखना चाहिए, हमें इस चीज़ को देखना ही नहीं है, तो हम क्यों दिखा रहे हैं ये पिक्चर में? मत दिखाओ, काट दो, फेंक दो। वैसे तो आपको ये पिक्चर वहीं पे क्रॉप कर लेनी चाहिए थी जब आप शूट कर रहे हो, बिकॉज द बेस्ट रूल इज़ टू क्रॉप योर पिक्चर व्हेन यू आर सीइंग थ्रू द व्यू फाइंडर। पर फिर भी जल्दी जल्दी में अगर आपसे मिस्टेक हो गई है या जल्दी जल्दी में आप भूल गए हो, तब तक आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया और आपको लग रहा है कि पिक्चर निकल जाएगी, तो बाद में आके भाई आपके कंप्यूटर है, भगवान ने कितना अच्छा कंप्यूटर बनाया है, तो उस पर आके आप उसको क्रॉप करें, क्रॉप करके पिक्चर को दोबारा से ज़िंदा कर सकते हो, दोबारा से उसको और स्ट्रांग बना सकते हो। तो क्रॉपिंग इज़ मस्ट, करो भाई करो क्रॉपिंग। पर क्रॉपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये इतना सा पोर्शन लेके क्रॉप कर दो, मर जाएगी पिक्चर, ख़त्म हो जाएगी, इतना भी क्रॉप नहीं करना है, क्रॉप करना है, क्रॉप नहीं करना है, ठीक है। अगली पिक्चर है, ये पिक्चर है मीरा, मीरा की अगली पिक्चर है मीरा वी नेरुकर, ठीक नाम लिया है ना, मीरा, वेरी नाइस पिक्चर। आँख जाती है सीधी इस पिक्चर के ऊपर, हरा रंग चारों तरफ, बॉक्सेस हैं, स्क्वेयर्स हैं, लाइट एंड शैडो का बहुत अच्छा खेल हो रहा है यहाँ पर, एक लाइन है वो पीछे से आगे को डिमार्केट करती है, वर्टिकल लाइंस हैं, बॉक्सेस हैं, एंड दिस लाइन लीड्स यू टू दिस फीमेल। ये थोड़ी सी और सिल्वेट में चली जाती तो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती पिक्चर, पर ओवरऑल इट गिव्स यू अ नाइस फीलिंग। एंड किसी भी पिक्चर में जब आप कोई सी भी टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हो, तो फोटोग्राफी क्या है, इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ लाइट, लाइट को देखो, लाइट्स में जहाँ पर शेडोज हैं, हाइलाइट्स हैं, ड्रामा क्रिएट कर रही है लाइट, वो पिक्चरें ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनेंगी। ये पिक्चर भी बहुत इंटरनेशनल लुकिंग है, बहुत स्ट्रांग लुकिंग है एंड आपको अट्रैक्ट करती है। लेकिन मीरा, ये पिक्चर अच्छी पिक्चर है, लोग आके रुकेंगे, लोग आके कुछ कहानी ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उनको कहानी नहीं मिलेगी तो वो आगे बढ़ जाएंगे। और इस पिक्चर में कहानी बहुत अच्छी बन सकती थी अगर यहाँ से कोई झांक रहा होता, यहाँ पर कोई बैठा होता, यहाँ पे कोई बिल्ली होती, या कोई लाल कलर का कपड़े पहन के कोई खड़ा होता, वो इधर की तरफ नहीं उधर की तरफ देख रहा होता, तो एक फ्लो बनता पिक्चर का। अभी फ्लो है लेकिन ठीक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देखूं और बोलूं ओ तेरी क्या कर दिया मीरा, व्हाट अ पिक्चर। सो आई होप कि आपने यहाँ पर और भी पिक्चर्स ली होंगी। पर आगे के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी पिक्चर्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं, किस तरह से हम खेल सकते हैं, बट वेरी गुड यूज़ ऑफ लाइट। तो करते रहिए मीरा, आप अच्छे फोटोग्राफर हैं और अच्छे भी हो सकते हैं, और हर कोई, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। आई मीन ये नहीं है कि मैं सारी पिक्चर्स जो खींचता हूँ तो वो बड़ी फाड़ू पिक्चर आती हैं, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। जब आके बैठते हो आप अपनी पिक्चर्स को एनालाइज करते हो, तो फिर देखते हो कि अरे यार शिट, मैं थोड़ी देर और रुक जाता ना वहाँ पे तो ये हो जाता। सो इन्हीं चीज़ों से हम सीखते हैं और उन्हीं चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी पिक्चर जो खिंच गई है वो खिंच गई है, वो आपको कुछ सिखा के नहीं जाएगी क्योंकि आपने वो एग्जीक्यूट कर दिया है। कहाँ से सीखते हैं हम? सीखते हैं हम बुरी पिक्चरों से। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि डोंट डिलीट योर बैड पिक्चर्स, डोंट डिलीट योर बैड पिक्चर्स। जिसको देख के आप बोलते हैं अरे यार ये तो खराब है खराब है खराब है, डिलीट 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 डिलीट, डोंट डिलीट देम। दे आर द पिक्चर विच विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, दे आर द पिक्चर विच विल टीच यू वेयर यू वेंट रॉन्ग। पर वो कब हो सकता है? जब आप सीखने के लिए तैयार हो, जब आप अपनी गलतियों को जानने के लिए तैयार हो, जब आप खुली आंखों से ये देखते हो कि यार मेरे से गलती हुई है और उस गलती को एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स विल डेफिनेटली टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत अच्छा टिप दे रहा है अशोक वर्मा। तो मीरा, वेरी गुड पिक्चर। ये है पिक्चर भाई, बहुत फाड़ू पिक्चर है, मुस्तकिन शेख की पिक्चर है अगली, बारिश की पिक्चर है। वाह जी वाह, बारिश में गए आपने, क्या पिक्चर खींची, सब लोग भीड़ में खड़े हुए हैं। क्या है यार ये फालतू की पिक्चरें क्यों कर रहे हो? ये पिक्चरें तो बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब है कि आप डेली लाइफ, आपके आसपास जो कुछ हो रहा है आप उसको कैप्चर करो, आप वो ही दिखाओ जो हो रहा है, पिक्चर बड़ी कैंडिड होनी चाहिए। लेकिन यार उसमें आप भी तो कुछ अपना इनपुट दोगे ना, आप उस पिक्चर को स्ट्रांग कैसे बनाओगे, आप उस पिक्चर को अच्छा कैसे बनाओगे?
ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो स्ट्रीट की लाइफ, आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट, आप उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो जो कैंडिड हैं एज इट इज़ हैं, पर उनको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अपनी तरफ से भी कुछ डालना पड़ेगा, अपना इनपुट भी देना पड़ेगा। और वो इनपुट्स क्या हैं? आपको अच्छा कॉम्पोजिशन करना पड़ेगा, आपको लाइट को समझना पड़ेगा, आपको अपने कैमरा को समझना पड़ेगा, और आपको इन सारी चीज़ों को मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, एक ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी कि जो दवाई खाते ही मरीज बोले कि यार मज़ा आ गया भाई, तबीयत बिल्कुल टकाटक हो गई है, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन इस दवाई को खा के मैं बोलूँगा कि यार सारी दवाई मैं बाहर निकाल दूंगा, उल्टी कर दूंगा। सो दिस इज़ नॉट अ गुड पिक्चर। स्ट्रीट का मतलब कैंडिड पिक्चर्स हैं, पर ये नहीं है कि मतलब कुछ भी खींच दो, कुछ बनाओ उनको, कुछ मूड क्रिएट करो, लाइट को समझो, कैमरा को समझो, और जो एलिमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं उनको जोड़कर एक अच्छी पिक्चर क्रिएट करो, जिसको देख के लोग रुकें और सोचने पे मजबूर हों कि भाई ये पिक्चर ली कैसे, और ये पिक्चर कहाँ ली, क्या सेटिंग्स थी तुम्हारी। जब आप वो क्रिएट करने लग जाओगे तो लोग रुकेंगे और आपका काम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो मुस्तकिन समझे मेरी बात, दिल पे मत लेना, और ऐसी फालतू की पिक्चरें मत करो, इससे कहीं नहीं पहुँचोगे। ये क्या भीड़ दिखाई है, नहीं 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 नहीं। आते हैं हम अगली पिक्चर पे। सिल्वेट पिक्चर है, ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। ये पिक्चर खींची है पार्था सारथी। आपका अच्छा अटेम्प्ट है, और दो जने काम कर रहे हैं, एक भाई ये काम कर रहा है, एक भाई ये काम कर रहा है, तीन लोग खड़े होकर देख रहे हैं, अच्छी लाइन है, अच्छा एक्सपोजर है, लाइट है, लेकिन क्या है, मतलब कुछ है, मतलब आपको लगता है इसमें कुछ है? ठीक है, आपने एक्सपोजर अच्छा ले लिया, ठीक है, आपने पिक्चर भी बैलेंस बना दी, लेकिन उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ो, कुछ क्रिएट करो, कुछ ड्रामा दो, कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट करो जिसको देख के लोग बोलें कि यार ये क्या है। एंगल ऑफ व्यू चेंज करो, हो सकता है आप इसके पैरों के थ्रू इन तीन बच्चों को देख रहे होते, या इसके पैरों के थ्रू तीन बच्चों को देख रहे होते, लो एंगल से कैमरा से पिक्चर ले रहे होते, सिल्वेट ही ले रहे होते, ये लाइंस इधर से जब उसके पैरों से आप पिक्चर ले रहे हो तो वो उनके पीछे से जा रही होती। देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़, ट्राई दोज पॉसिबिलिटीज़ एंड डोंट क्रिएट सिंपल पिक्चर्स। सिंपल पिक्चर्स कोई नहीं देखना चाहता, सिंपल पिक्चर्स देख के क्या मिल रहा है किसी को, कुछ नहीं मिल रहा। जब तक आपके अंदर झंझनाहट पैदा ना हो देख के किसी की पिक्चर को, तब तक वो पिक्चर ज़ीरो है, चाहे वो कोई सी भी पिक्चर हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे कोई भी पिक्चर हो। तो इस पिक्चर में भी वैसा कुछ नहीं है, बस एक्सपोजर ठीक है और दैट्स इट। तो इससे ऊपर वाले लेवल पे जाएं, अपना एंगल चेंज करें और कहानियां क्रिएट करें, ऐसी पिक्चर्स क्रिएट करें जिसको देख के लोग रुकें और सोचें कि भाई ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। अगली पिक्चर, ये पिक्चर है रियाज रशीद। ये पता नहीं कहाँ शारजा की पिक्चर है या आई डोंट नो वेयर इट हैज़ बीन शॉट, पर शारजा में ऐसे सीन होते रहते हैं। दो जने हैं, एक भाई बैठा हुआ है, ये इसकी फ़ोटो खींच रहा है, फूल हैं, वेरी नाइस गुड, पीछे से गाड़ी जा रही है, और बस कुछ नहीं है। इस पिक्चर को ना स्ट्रांग बना सकते थे, ये पिक्चर बहुत स्ट्रांग बन सकती थी अगर मैं अपना एंगल ऑफ व्यू चेंज करता, ऊपर की तरफ चला जाता, और मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देता, सिर्फ फूलों के बीच में ये दो बंदे बैठे होते और मुझे और कुछ नहीं दिख रहा होता, कलर्स दिख रहे होते एंड दैट्स इट, और ये दो जने बैठे होते, ये भाई कुछ कर रहा है और ये भी कुछ कर रहा है, तो स्टोरी बिल्ड होती। लेकिन यहाँ पे इट्स अ वेरी नॉर्मल पिक्चर, नथिंग इज़ ट्रिगरिंग एनीथिंग इन माई हेड, एंड आई थिंक किसी और के दिमाग में भी कुछ ऐसा ट्रिगर होगा नहीं। तो इससे ऊपर उठो, थोड़ा चेंज करो अपना एंगल ऑफ व्यू एंड ग्रो, आगे बढ़ो। अगली पिक्चर पे जाते हैं हम, ये पिक्चर है सैफुल अमीन कज़ाल। आपने अच्छा अटेम्प्ट करा है, मुझे लग रहा है ये पिक्चर काफ़ी क्रॉप करी हुई है, क्योंकि पता नहीं या ओवर शार्प कर दिया आपने पिक्चर। अच्छी पिक्चर है, दो जने हैं, ये बंदा एक इधर बंदा है लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा है ये बंदा है इधर को जा रहा है या उधर को जा रहा है, वैसे इधर को जा रहा है क्योंकि इसका फेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एंड दिस गाय, इसके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं लेकिन
फिर भी कोई कहानी बन नहीं रही है, दो कबूतर हैं, कॉन्ट्रास्ट है एंड डार्कनेस है, पर आई फील कि अगर मैं इसके फेस के पास चला जाता और वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा होता और इसकी एक्सप्रेशन को कैप्चर करके पीछे से मैं ये दो कबूतर या पिंजरा दिखाता तो ये पिक्चर और स्ट्रांग बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे पिक्चर में कोई दम नहीं दिख रहा है, और अच्छा बनाया जा सकता था, पर अच्छी तरह आपने अटेम्प्ट करा है। ऐसे अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आप उस पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स में एक नया रूप देखेंगे, जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स का एक नया अंदाज देखेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, वी आर जस्ट वन पिक्चर अवे फ्रॉम बिकमिंग अ फोटोग्राफर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें फ़ोटो खींचते रहना है, सिर्फ हमें एक पिक्चर खींचनी है जहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि चीज़ क्या करनी है और कैसे करनी है। और जिस दिन हम वो पिक्चर खींच लेते हैं उसके बाद दुनिया बदल जाती है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है एंड हमारे काम में ऐसी तब्दीली आती है कि हम ग्रो करने लगते हैं, ग्रो करते जाते हैं। सैफुल, आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड वर्क ऑन इट, डेफिनेटली यू गोइंग टू इम्प्रूव। अगली पिक्चर पे आते हैं, ये पिक्चर है संतोष पद्मे की। नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई बीन फॉलोइंग योर वर्क। आपने बहुत इम्प्रूव करा है, जिस दिन आपने वो कैमरा ख़रीदा था और आप मुझसे मिले थे और आप मुझसे सेटिंग्स पूछ रहे थे कि क्या सेटिंग्स रखनी है ना, उसके बाद आपने डेफिनेटली अपने काम को बहुत इम्प्रूव करा है। लेकिन इस पिक्चर को देख के मुझे काफ़ी निराशा हुई है, क्योंकि इस पिक्चर में कुछ है नहीं। ये पिक्चर आपने पता नहीं क्यों खींची है और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पिक्चर में। देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन दिस पिक्चर, दो यू डू वेरी गुड वर्क बट आई डोंट नो वाई यू टुक दिस पिक्चर, देर इज़ नो स्टोरी। इतनी सारी नेगेटिव स्पेस है, कुछ नहीं है, एक बंदा जा रहा है और पीछे एक कोई रेस्टोरेंट है या कुछ है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आई डोंट नो आपने क्या सोच के ये पिक्चर ली है। मुझे जो भी आपने सोचा है वो मुझ तक नहीं पहुँच रहा है, और जब तक फोटोग्राफर ने जो सोचा है व्यूअर्स तक नहीं पहुँचेगा वो पिक्चर काम नहीं करेगी। तो ये पिक्चर मेरे लिए काम नहीं कर रही है। आप काफ़ी अच्छा काम करते हो एंड पर जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो, कभी कभी, मतलब वो हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, समटाइम्स यू आर फ्रस्ट्रेटेड, समटाइम्स यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ वॉट यू आर डूइंग, यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट। सो मे बी दिस इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटिंग एंड मे बी यू वॉन्ट टू टेक योर वर्क फ्रॉम वन लेवल टू दी नेक्स्ट लेवल। सो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं और उसी की वजह से आपने ये पिक्चर खींची है, लेकिन वो चीज़ कन्वे नहीं हो पाई है। तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर काम नहीं कर रही है, तो बट इट्स ओके। मतलब ये दौर से सबको गुजरना होता है, मैं भी गुजरा हूँ, एवरीबडी गोज थ्रू दिस। लोज होते हैं फिर ऊपर चले जाते हो आप, फिर लोज होते हैं फिर ऊपर चले जाते हो। तो इसी तरह से आप एक्सप्लोर करते हो किसी भी फील्ड में, और क्रिएटिव फील्ड में कई बार मेंटल ब्लॉक आ जाता है, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है किसी चीज़ को करते करते, तो वो क्रिएटिव ब्लॉक को तोड़ने के लिए आपको अपने जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के कुछ और करो, कुछ नई चीज़ करो, पढ़ाई करो, घूमो, मूवीज़ देखो, लाइफ को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि हम एज अ फोटोग्राफर जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है उसी को निकाल के लाते हैं हम अपनी पिक्चरों में। तो वो मुझे इस पिक्चर में कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस चीज़ के, जिस दौर के थ्रू आप जा रहे हैं वो मुझे दौर इस पिक्चर में दिख रहा है, दैट्स ऑल आई कैन से। तो बेस्ट ऑफ लक संतोष एंड कीप डूइंग गुड वर्क एंड कीप शेयरिंग गुड वर्क, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। ये पिक्चर है HDR पिक्चर, HDR। बहुत बार हम जब फोटोग्राफी कर रहे होते हैं हम अपनी पिक्चर्स खींचते हैं और हम डिटेल निकालने के चक्कर में शेडोज़ में, हाइलाइट्स में इतने डिटेल निकाल देते हैं, वो पिक्चर बन जाती है HDR पिक्चर। तो ये पिक्चर भी मुझे कुछ HDR का इफ़ेक्ट दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बहुत एक्सपोजर कम था और आपको लगा कि नहीं, मुझे इसकी शक्ल भी दिखानी चाहिए, इसकी शक्ल भी दिखानी चाहिए, क्लाउड्स के भी डिटेल निकालने चाहिए, क्लाउड्स उस वक्त बहुत अच्छे हो रहे थे, तो आप शेडोज़ को बिल्कुल डार्क कर देते, हाइलाइट्स को बिल्कुल डार्क कर देते हो और शेडोज़ को खोल देते हो और वहाँ पर बन जाती है आपकी पिक्चर कुछ इस तरह। सो प्लीज़ व्हेन यू आर एडिटिंग देर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन रीचिंग टू अ पॉइंट वेयर यू कन्वर्ट योर पिक्चर फ्रॉम अ नॉर्मल लुकिंग पिक्चर द वे अवर आई सीज इट टू अ HDR पिक्चर विच लुक्स वेरी फेक, विच लुक्स वेरी आर्टिफिशियल एंड यू किल द पिक्चर। सो
वो लाइन को पहचानो, वो लाइन को जानो, और उसका सबसे बेस्ट तरीका है उस लाइन को पहचानने के लिए, जब आप अपनी एडिटिंग कर देते हो, पिक्चर रेडी हो जाती है, उसको छोड़ दो, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद अपनी आंखों को रिलैक्स करो और फिर आके दोबारा उस पिक्चर को देखो, 99% आपको लगेगा कि आपने ओवर एडिटिंग कर दी है, और जहाँ पर आपने एडिटिंग करी उससे थोड़ा 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 नीचे चले जाओ, आपकी पिक्चर ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ इट्स अ गुड पिक्चर। मेरे को लगता है अगर पिक्चर सिल्वेट होती तो ज़्यादा अच्छी बनती। एक यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, एक लाइन बन रही है एंड बड़ा छोटा छोटा, तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन और कुछ है नहीं इस पिक्चर में। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, यू कन्वर्टेड इट टू ब्लैक एंड वाइट, और आई डोंट नो वेदर यू शॉट ब्लैक एंड वाइट, बट ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर को अगर आप ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट कर दोगे तो वो बड़ी आर्टी पिक्चर बन जाएगी या बहुत क्रिएटिव पिक्चर बन जाएगी। क्रिएटिवनेस और क्रिएटिविटी और आर्टी पिक्चर आप खींचते हो, आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं बनाते हो। पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ नहीं होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में पिक्चर्स नहीं बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं आपके दिमाग में और वो निकलती हैं आपके कैमरा के थ्रू। तो पिक्चर आपको खींचनी है, अगर आपको अच्छी पिक्चर चाहिए तो आपको खींचनी पड़ेगी, बनानी नहीं है, खींचनी है। ये चीज़ में फ़र्क है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मूव करते हैं अगली पिक्चर पर। ये पिक्चर है सुरवजीत दत्ता, आई डोंट नो, मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता यार, सुरवजीत दत्ता की ये पिक्चर है, छोटी पिक्चर है, आई डोंट नो मोबाइल से खींची है क्या है, तो ये पिक्चर इतनी ही आ रही है मेरे पास, बड़ी नहीं हो रही है, अच्छी है, मिस्टीरियस है, और अच्छी करी जा सकती थी। ये बंदा नहीं दिखता मुझे, ये सिर्फ औरत ही दिखती, और या तो ये थोड़ी दूर होती या ये फॉग ज़्यादा होती तो और मिस्ट्री क्रिएट होती, शायद ये ब्लैक एंड वाइट कर देते तो और मिस्ट्री क्रिएट हो सकती थी। तो सिंपल स्ट्रेट पिक्चर है, जो मिस्ट्री आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो 100% हुई नहीं है। मुझे देखकर इसको लगा नहीं है कि क्या हो रहा है, कहाँ है ये औरत, इसका सर गायब है, ये धुआं कहाँ से उठ रहा है, पिक्चर में डार्कनेस है, एक मूड है, तो वो सारी चीज़ें इस पिक्चर में मिस हो रही हैं। देर इज़ नो मूड टू इट एंड और कुछ नहीं है, और कुछ हो नहीं रहा है इस पिक्चर में। सो यू हैव ऑल्सो रीच टू अ पॉइंट वेयर यू आर विजुअलाइजिंग थिंग इन योर हेड, नाउ द टाइम इज देयर टू कन्वर्ट दैट विजन इन टू पिक्चर्स, और उसके लिए आपको अपने कैमरा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप जब सोच रहे हो एक तरीके से तो आपका कैमरा उसको कैसे निकालता है आपकी टेक्निकल नॉलेज के द्वारा। तो अपनी टेक्निकल नॉलेज का कॉम्बिनेशन अपने विजुलाइजेशन से करें और वो पिक्चर निकालें जो पिक्चर आपने दिमाग में सोची है, ठीक है, ये सबके लिए है। अगली पिक्चर है जीत कर की पिक्चर है। भाई रेलवे ट्रैक पे आपने पिक्चर खींची, ये पिक्चर भी स्ट्रांग बन सकती थी, लेकिन इस पिक्चर में कुछ इस तरह से लग नहीं रहा है मुझे कि वाओ क्या हो रहा है। ये एक अच्छा जेस्चर था, ये बच्चा है, एक छोटे बच्चे को उठा के लेकर आ रहा है, यहाँ पे एक छतरी है, अगर ये दोनों यहाँ आ जाते, ठीक है, और ये पिक्चर हो जाती क्रॉप इतनी, मुझे छाते का सिल्वेट दिख रहा होता, ये दिख रहे होते, बेशक ये इसके पैर ना दिख रहे होते, ये इसको उठा के ला रहा है और ये बंदा अपने फ़ोन पर लगा हुआ है, ये पिक्चर बहुत स्ट्रांग बन सकती थी। हो सकता है इसके बाद आपने फ्रेम्स खींचे हों, आपने अपनी पोजिशन इसके पीछे लाए हों, तो आई डोंट नो वेदर यू हैव दैट पिक्चर और नॉट, बट अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं अपने आप को इसके पीछे लेकर आता और इन दोनों को यहाँ तक आने देता एंड इन सारी चीज़ों को, ये फालतू की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, ये कुछ बता नहीं रही, कुछ कह नहीं रही हैं, कहानी हमारी सिर्फ एक दो और तीन और ये लाइंस, चार चीज़ों पे बेस्ड है। यहाँ पर मैं कैमरा का एंगल थोड़ा सा ऊपर करता, इसके पीछे आता, इस चीज़ को लेता सिल्वेट और इनका इनको लेता यहाँ पर, तो आँख यहाँ से चालू होती, ये बंदा कुछ कर रहा है, छतरी लगी हुई है और उसके बीच में से ये दो बच्चों के हाथ दिख रहे हैं, वैसे स्टोरी क्रिएट होती है। गुड अटेम्प्ट, यू रीच टू द लोकेशन बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आप, तो एग्जीक्यूट करना सीखें, मूव करना सीखें, एंगल ऑफ व्यू चेंज करो, पिक्चर में सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आप अपना कैमरा इधर घुमाते हो या ऊपर जाता है नीचे आता है, सब कुछ बदल जाता है, पूरा नज़रिया बदल जाता है एंड उसी जगह पर उसी माहौल में आपको एक नई पिक्चर मिल जाती है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, जहाँ पर भी आप जाते हैं अपने एंगल्स चेंज करें, अगर वो चीज़ें स्टेशनरी हैं
जो चीज़ें स्टेशनरी हैं उनको वहीं पे रहने दें, आपको मूव करना है। आप लोगों को जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई थोड़ा सा इधर हो जाना, या इस बच्चे को बोलोगे बेटा यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये नहीं कर सकते आप। आपको खुद मूव होना है, अपना एंगल खुद चेंज करना है और अपने लिए विजुअल्स क्रिएट करनी है, और कर सकते हो। बस ख़त्म, यही पिक्चर थी, सारी पिक्चर्स हो गई। और बल्ले बल्ले आज का फीडबैक हम यहीं समाप्त करते हैं, बस ख़त्म, एक बार और बोल देते हैं ये। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, फीचर फिल्म का शेष भाग समाचारों के बाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। क्या जाओ? जाओ नहीं, चाओ। आप लोग गलत क्यों सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ चाओ और आप समझ रहे हो जाओ, और इतने सारे लोग चले गए इस चक्कर में। तो जाना नहीं है, यहीं रहना है। ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम। और सीखे कुछ, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, कौन कौन क्या क्या सीखा, ठीक है? चलो बंद करो, उफ़।